दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूँ आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटा जिले के रामगंज मंडी में चिकित्सा व्यवस्था के सुधार की मांग को लेकर 24 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। युवा शक्ति की मांगों के समर्थन में चेतना दिव्यांग पैरवी संघ के सदस्य आ गया है। चिकित्सकों को लगाने की मांग को लेकर दिव्यांग पैरवी संघ के अध्यक्ष तेजपाल नागर, सदस्य राधेश्याम वर्मा, आशा पोरवाल धरने पर बैठे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। हो सकता है शायद शहर में व्यवस्था सुधरे, मेरे अकेले की ये मांग नहीं है। शहर के सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा निवेदन है कि विकलांगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखें और यहाँ पर सोनोग्राफी सैटेलाइट सिस्टम वाला हॉस्पिटल हो, दिव्यांगों को पूर्ण रूप से सब सुविधाएं मिले, दिव्यांगों के अलावा अदर व्यक्ति को भी इसकी सुविधा मिले ताकि हर आदमी उससे लाभान्वित हो सके और शहर में एक सुचारू व्यवस्था रहे। रात्रि के समय में हम यहाँ देखते हैं एक ही डॉक्टर हमें मिलते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं मिलते हैं। दिव्यांगों के पास ऐसा कोई आय का स्रोत भी नहीं होता है कि वो किसी प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट चिकित्सालय में वो जा सकें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है उनकी चलने की। चलने के लिए विकलांग को साधन चाहिए, वो अपने साधन से हॉस्पिटल तक तो पहुंच जाता है परंतु उसके बाद फिर वो राम भरोसे ही वहाँ पर घिसटता हुआ अस्पतालों में चलना पड़ता है। गंदगी का अभाव रहता है, नीचे कई बार जब चलते हैं तो पैरों के अंदर थूक, उल्टी के अंदर हाथ भर जाते हैं। बड़ी घिन्नता पैदा होती है कि आखिर में भगवान ने ऐसा दंड क्या दिया कि विकलांगता के कारण हमें ऐसी ग्लानी अंदर से महसूस होती है। मेरा निवेदन है कि भाई रामगंज मंडी के अंदर हर संस्था, स्पेशली हम लोग सभी संस्था वालों ने आके यहाँ पे अपना टाइम दिया है, धरना दिया है। सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर हो, साधना अवेलेबल हो ताकि आम जनता को परेशानी ना हो और हम लोग की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के लिए भी कुछ भी साधन।